तो गाइस आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी गाड़ी जो कि है फॉर्च्यूनर की कॉम्पेटिटर, बल्कि फॉर्च्यूनर की कॉम्पेटिटर करना गलत होगा इसे, ये फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की चीज है। तो स्वागत है आप सबका MW हिंदी में, और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस की और भी नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलते रहे। तो ये गाड़ी है निसान टेरा, जो कि बहुत ही कमाल की दिखती है और बहुत ही कमाल की है भी। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो फॉर्च्यूनर से बहुत ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है फॉर्च्यूनर से, लेकिन फीचर्स के मामले में, पावर्स के मामले में ये उससे एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। भाई लुक्स के मामले में भी फॉर्च्यूनर से एक लेवल आगे है ये गाड़ी। इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो कि बहुत ही प्रीमियम दिखती है, 18 इंचेस के हैं ये, और इसकी जो हेडलाइट है वो भी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव टाइप की बनाई गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है देखने में। और इस गाड़ी की फीचर्स की क्या ही बात करें, बहुत ही सारा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं कहां पे एंड करूं। लेकिन इन दोनों में एक चीज सिमिलर है, वो चीज ये है कि इन दोनों में ही सनरूफ देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन जो भी बोलो एक्सटीरियर बहुत ही कमाल का है। इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 360 सेफ्टी शील्ड, जो कि 360 व्यू है असल में। तो भाई ये सही में एक कमाल की चीज दी गई है इस गाड़ी में, और वो भी इस प्राइस रेंज की गाड़ी में, क्योंकि फॉर्च्यूनर में भी ये चीज नहीं आती है। और इसकी प्राइस बताऊं वैसे तो मैं लास्ट में बताता हूं हमेशा, लेकिन इस बारी मैं फर्स्ट में ही बता दे रहा हूं। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 20 लाख, और आपको फॉर्च्यूनर पड़ती है 32 लाख, लेकिन 20 लाख में इतनी बेटर एक नेक्स्ट लेवल चीज आपको मिल जाती है, वो भी सिर्फ 20 लाख में। तो ये बहुत ही कमाल की बात है, और ऐसे भी निसान वाले हमेशा कमाल की ही चीजें देते हैं। तो ये जो 360 व्यू इसमें मिल जाता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। पार्किंग के वक्त में आपको जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो आपको 360 आप देख सकते हो कि आपको क्या। उसी के साथ ही साथ आपको मिल जाता है इंटेलिजेंट अराउंड व्यू मिरर, और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी इसमें मिल जाता है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि आप जब बैक कर रहे होते हो और पीछे से कोई गाड़ी आ रही होती है, तो वहां पे काफी कम गाड़ियां ऐसी हैं जो रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम देती हैं, पर यहां पे आपको मिल जाता है, तो पीछे वाली गाड़ियों की भी अलर्ट आपको मिल जाती है, और आप बहुत ज्यादा सेफ रहते हैं। तो सबसे पहली इसकी जो फीचर है वो यही है कि 360 सेफ्टी शील्ड मिल जाती है इसमें, और उसके साथ ही साथ गाड़ी 4x4 है, तो बहुत ही कमाल की चीज है सिर्फ 20 लाख में। और इसमें एक और कमाल की फीचर है, जैसे कि इसमें मिल जाता है आपको ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, तो वो भी बहुत ही कमाल की चीज है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में तो और कोई गाड़ियां ऑफर नहीं करती हैं। और अभी मैंने तो बताना शुरू ही करा है, इसके साथ ही में आपको इस गाड़ी में मिलती है इंटेलिजेंट फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, इंटेलिजेंट इमरजेंसी ब्रेकिंग, मतलब वही कि सामने वाली गाड़ी अगर रुक जाए, आपको नींद आ रही है तो गाड़ी खुद ब खुद रुक जाएगी, स्पीड को कम कर लेगी, ऐसा सारा सिस्टम मिलता है इसमें। इसमें आपको लेन डिपार्चर वार्निंग भी मिलती है, इंटेलिजेंट ड्राइव अलर्ट भी मिलता है, तो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं इस गाड़ी में, बहुत सारी अच्छी अच्छी फीचर्स है। अभी ये जो ड्राइवर अलर्ट सिस्टम है ना, इसमें ये होता है कि ये ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल जो है उसको एनालाइज करके और उसकी बिहेवियर को एनालाइज करके मॉनिटर में शो करता है, और स्टेयरिंग व्हील पे वाइब्रेशन दिखाता है कि आप गलत तरीके से गाड़ी को चला रहे हो, ऐसे मत चलाओ, या फिर आपको जरूरत है एक कप कॉफी की। तो ये सारी फीचर्स इसमें मिलती है, और इसमें मिलता है एक इंटेलिजेंट रियर व्यू मिरर। अब ये इंटेलिजेंट रियर व्यू मिरर इसमें ऐसा दिया गया है कि आप जैसे इंटेलिजेंट रियर व्यू मिरर को ऑफ करते हो तो आपको नॉर्मल मिरर की तरह ये काम करता है, लेकिन जैसे ही आप रियर व्यू मिरर को ऑन करते हो, मतलब इंटेलिजेंट रियर व्यू मिरर को जैसे ही ऑन करते हो, तो बैक वाला जो कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाता है, और आपको दिखाता है पीछे में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं और पीछे में जो भी गाड़ियां वगैरह आ रही है उसकी एक क्लियर व्यू दिखाता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होता है रियर व्यू में। तो ये फीचर बहुत ही कमाल का लगा मेरे को, जो की है इंटेलिजेंट रियर व्यू मिरर। और अब अगर गाड़ी की पावर की बात करें तो भाई ये गाड़ी 4x4 आती है, और इसमें इंजन कौन सा है, इसमें इंजन है 2.5 लीटर की YD25 4 सिलेंडर डीजल इंजन, वो भी टर्बो चार्ज्ड, और तो और उसके साथ ही साथ आपको इंटरनल कूलर भी मिलता है इंजन को ठंडा करने के लिए। तो इतनी सारी पावर देखने के लिए मिल रही है इस गाड़ी में। इस गाड़ी में आपको 190 PS तक की पावर मिल जाती है, और इसके जो अमेजिंग फीचर्स हैं लाइक सिट ऑन द फ्लाई, ये चीज बहुत ही कमाल की है। इसमें आपको इसमें मिल जाता है एक डायल, जो कि आप जैसे ही टू व्हील ड्राइव पे डालोगे तो गाड़ी टू व्हील ड्राइव पे आ जाएगी, और बहुत ही ज्यादा फ्यूल इफिशियंट बन जाएगी जब भी आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, आपको ऑफरोडिंग की जरूरत ना हो। और जैसे ही आप 4 HP डाल दो, मतलब 4 हाई पे, तो 4 हाई पे जाते ही जो 4 व्हील ड्राइव है वो हाई परफॉर्मेंस मोड में जाकर एक्टिवेट हो जाती है, और जब आप 4 लो पे डालते हो
तो वो फोर व्हील ड्राइव पे जाके लो परफॉर्मेंस मोड पे रहती है। जब भी आपको अगर मड वगैरह में चलना हो तो फोर लो बहुत ज्यादा काम आता है। जब भी आपको पहाड़ों पे ऑफ रोडिंग करना हो, काफी नेस्टी से रोडों पे चलना हो, तो फोर हाई बहुत ही काम आता है। और जब आप हाईवे पे चल रहे हो तो टू व्हील ड्राइव बहुत है, जिससे कि आपको मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है। तो ये वाला फीचर सबसे ज्यादा कूल है, क्योंकि ये चीज आपको फॉर्च्यूनर में भी नहीं मिलती है, ना ही आपको एंडेवर में मिलती है। और इसकी ऑफ रोडिंग टेक्नोलॉजी तो सही में बहुत ही ज्यादा कमाल की है, क्योंकि इसमें मिल जाती है आपको हील डिसेंट कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, इसमें आपको फोर व्हील एक्टिव ब्रेक लिमिट स्लिप मिल जाता है, जिससे कि ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लगते हैं और रिलीज किया जाता है, वो भी गाड़ी के द्वारा, गाड़ी के कंप्यूटर्स के द्वारा, जिससे कि एक बेस्ट ट्रैक्शन मिलता है रोड पे। जैसे ही आप ज्यादा एक्सेलरेट करते हो, व्हील एक्स्ट्रा स्पिन नहीं करती है, तो एक तरह का ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। और इसमें आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग, रियर डिफरेंटिकल, जिससे कि होता ये है कि जब भी आप बूस्ट करते हो गाड़ी को, एकदम आगे बढ़ाते हो स्पीड में, तो ये उस वक्त भी गाड़ी को स्टेबल रखकर आगे बढ़ाती है। अब चाहे जितना भी चैलेंजिंग रोड हो या ट्रेन हो, आराम से बढ़ती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ इंटीरियर की बात, यहाँ पे आपको स्मार्टफोन इंटीग्रेशन मिल जाती है, जो कि कनेक्टिविटी फॉर एवरीवन है। अब चाहे आपके पास आईफोन हो, एंड्रॉइड हो, कोई सा भी सिस्टम हो, आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। और इसमें मिल जाता है आपको बूस्ट की प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, जिससे कि हाई क्वालिटी साउंड की एक्सपीरियंस मिलती है आपको, जो कि आपको बहुत ही जेन्युइन सी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करवाती है। सीट्स पे आपको बहुत ही ज्यादा प्रीमियम रिलैक्सेशन मिलने वाला है, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए इसमें बहुत ही सारा कंफर्ट है। 13 में एक प्रीमियम लेवल की इंटीरियर देखने के लिए आपको मिलती है, आप आराम से एक लग्जरी टूर एंजॉय कर सकते हो। इस गाड़ी में आपको 360 वेंट्स भी मिल जाते हैं, जिससे कि गाड़ी की क्लाइमेट कंट्रोल बहुत ही कमाल की हो जाती है। अब आप इस गाड़ी में कहीं पे भी बैठो, कोई सी भी सीट पे, आपको एक ड्यूलेक्स ट्रीटमेंट मिलता है ब्रो। तो ओवरऑल ये एक सेफेस्ट फैमिली एसयूवी है, जो कि बहुत ही कमाल की है और बहुत ही हाई परफॉर्मेंस भी है। तो आप फैमिली को घुमाने के साथ ही साथ आप इस ऑफ रोडिंग और रेसिंग भी कर सकते हो। इस गाड़ी की बूट स्पेस भी बहुत ही कमाल की मिल जाती है, क्योंकि इसके सीट्स जो हैं वो फोल्डेबल हैं, तो आप चाहो तो आप सीट को फोल्ड कर कर एक बहुत अच्छी और बहुत ही लंबी चौड़ी स्पेस में सामान को रख सकते हो, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर गाड़ी की माइलेज की बात करें, तो ये गाड़ी अच्छी खासी माइलेज आपको निकाल कर दे देती है। ये गाड़ी 15-80 की माइलेज आपको निकाल कर दे देती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है एक 4x4 में। और प्राइस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये गाड़ी आपको 16-20 लाख के बीच में मिल जाएगी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको इतनी बढ़िया एसयूवी मिल रही है। एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर तो ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी रेंज है और बहुत ही अच्छी माइलेज भी प्रोवाइड कर रही है, और बहुत ही अच्छी फीचर्स भी हैं। तो गाइज मैं तो ऑब्वियसली प्रेफर करूंगा निसान टेरा को, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है। लेकिन ये गाड़ी कब लॉन्च होने वाली है इंडिया में, तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता है 2050 दिखाएगा, लेकिन इतना लंबा वेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द आ जाएगी ये गाड़ी इंडियन मार्केट में, क्योंकि इसकी डिमांड्स हो तो रही है कि भाई निसान टेरा चाहिए, क्योंकि फॉर्च्यूनर की कॉम्पेटिटर कोई मिल नहीं रही है। तो आप देखो नेक्स्ट ईयर तक में, नेक्स्ट ईयर आते आते में ये गाड़ी लॉन्च हो जानी चाहिए। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाएं और वीडियो को भी लाइक कर दें।